कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले को मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कर्नाटक पर जारी राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये कांग्रेस जेडीएस का अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य के विधानसभा स्पीकर को निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका के साथ भारत व्यापार से जुड़े सभी बचे हुए मुद्दों को हल करने के लिए ओसाका में प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो बैठक हुई थी वो सकारात्मक थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण के मुताबिक केरल में कथित रूप से चाइल्ड पॉर्न चैट ग्रुप तितली और ऑनलाइन पॉर्न चैनल नाथन थूम चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर के बीच गुरुवार को रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर एक ज्ञापन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत आईआईटी कानपुर प्रसार भारती को उच्च स्तरीय तकनीक हासिल करने में शोध एवं अनुसंधान में सहयोग करेगा। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रयागराज शहर के बरगद घाट पर 30 एमएलडी का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शहर के बड़े हिस्से का गंदा पानी यहां इकट्ठा कर साफ करने के बाद दूसरे प्लांट में भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में आगे कदम बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र का टैक्स राजस्व राज्यों को ट्रांसफर करने के बाद 16 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछली बार से 11% ज्यादा है। श्रावण मास में वाराणसी में आने वाले कांवरियों के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव अनूपचंद पांडे व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में 4 मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कन्नौज में गुरुवार की आधी रात हुए हादसे से लोगों के दिल दहल गए। घर के बाहर जीरी रोड के किनारे सो रहे 7 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया है। आगरा समेत कई बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने कल परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात के मानकों को अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने और कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश गौ सेवा आयोग हरकत में आया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह ने मेरठ जनपद का दौरा कर गौ सेवा केंद्रों का निरीक्षण किया और विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। अमरोहा जनपद की नौगावां सादात तहसील के एसडीएम मांगेराम चौहान ने अपना प्रकृति प्रेम जाहिर करते हुए अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत वो मुचलके में पाबंद होकर आए व्यक्तियों को जमानत देने के बदले 5 पौधे लगवाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। बाराबंकी में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने 550 अध्यापकों का वेतन काट दिया है। प्रत्येक दिन अब कक्षा के बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर विभागीय व्हाट्सएप पर भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सेल्फी के साथ ही स्कूल में उपस्थिति मानी जाएगी। हमीरपुर के ग्राम पचखुरा में तालाब की नींव तब पड़ी जब बुंदेलखंड के हमीरपुर में सूखा व अकाल के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे थे। संत कृष्णानंद ने 8 बीघे का तालाब खोदकर बंजर जमीन को हरा भरा करने के साथ ही जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर डाली है। लगातार हो रही बरसात से पूर्वांचल के कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। शहर से गांव तक लेकर पानी ही पानी दिख रहा है। NH-28 तेज बहाव के कारण कट गया है। मौसम विभाग ने आज भी लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की आशंका व्यक्त की है।